तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा ही होगा, कि हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट पे रील्स ऑप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी फेसबुक अकाउंट में रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कम से कम आप तो ज़रूर कर दें, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट में रील्स ऑप्शन को कैसे इनेबल करेंगे। और बहुत ही छोटी छोटी जो बातें हैं, जो आप जिसको नहीं जानते हैं, इस कारण शायद आपके अकाउंट पे रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने फेसबुक इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, और मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके फेसबुक प्रोफाइल पे अगर रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको कैसे इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे में तो रील्स का ऑप्शन आ रहा है, बट आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ कि कैसे हम लोग रील्स के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक, और सर्च करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से अपडेट कर लेंगे, और अपडेट करने के बाद भी अगर आपके प्रोफाइल में रील्स का ऑप्शन नहीं आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरा अपडेट हो रहा है, और मेरे अकाउंट पर तो ऑलरेडी रील्स का ऑप्शन इनेबल है, बट मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। मेरा भी रील्स इनेबल नहीं था, बट मैंने जैसे जैसे किया और उसके बाद मैं यह ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बिना ट्राई किए हुए नहीं बनाता। जब तक मैं उसको खुद ट्राई कर न लूँ और वो सक्सेस ना हो जाए, तब तक मैं कोई भी आप लोग को वीडियो में नहीं बताता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, देख सकते हैं फेसबुक हमारा अपडेट हो चुका है, और सिंपली हम लोग ओपन करते हैं। फिर भी अगर आप में नहीं आता है रील्स का ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे कि सिंपली अपने प्रोफाइल पे आपको आ जाना है। प्रोफाइल पे आप क्लिक कर लेंगे, और प्रोफाइल पे आने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर 3 डॉट एक दिखेगा, आपको यहाँ ये फुल जो प्रोफाइल है इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक ये प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और एक फर्स्ट पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपने 2 स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, तो सिंपली इस पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम को हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से कुछ क्लिक नहीं करना है, बस सबसे नीचे यहाँ कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर सिंपली इंक्लूड इन रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने इंक्लूड इन रिपोर्ट पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि आपके जो प्रोफाइल पे रील्स का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग प्रोफाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रोफाइल के ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट पहले से ही यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग को इसको कट करके हटा देना है, और यहाँ ऐड इमेज पे हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला दोनों हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों फिर से मैं इसको ऐड करके फिर इसको भी ऐड कर लेता हूँ, यानी मेरे प्रोफाइल का और फर्स्ट पेज का जो भी है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट लगा देना है। और लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ डिस्क्राइब योर इशू में आपको लिख देना है, सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ आप। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया है, इसको मैं डिस्प्ले के बगल में आपको लगा दूंगा, आप देखकर इसको टाइप कर लेंगे। और टाइप करने के बाद यहाँ पे सिंपली नीचे
थैंक यू लिख देना है। यहाँ पे सब चीज़ हो गया है, बस आपको सिंपली जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको लिख देना है, और लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेंड और रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनलाइज का ऑप्शन आ जाएगा और हमारा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 24 से 48 घंटे में फेसबुक की टीम आपके प्रोफाइल को रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद आप में रील्स का ऑप्शन एक्टिवेट कर देगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तों आप इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।